So, ये हमने एक सरप्राइज रखा था अपनी वाइफ के लिए, उनसे पूछते हैं कैसा लगा आपको ये। मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे रूम में एंटर किया मुझे लगा कि यार ये सब मतलब कब क्या कैसे हो गया, मतलब इतना रोमांटिक मेरा पति। ओ, ये ब्लॉग कहीं और जा रहा है। ऑल राइट ऑल राइट। हेलो नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आई के एस व्लॉग्स। काफ़ी दिनों बाद अपनी बात हो रही है आज। एंड ये टूर ऐसा है कि हम पता आपको, हमें एक्सप्लोर करने का काफ़ी शौक है। आज हम जा रहे हैं अपना अंडमान निकोबार, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं। और साथ में मेरे कौन है, मेरी वाइफ साथ में है। एंड दिस इज आर हनीमून ट्रिप, बट स्टिल आई विल लेट यू नो विच प्लेसेज वी विजिट एंड क्या क्या स्पेशलिटी है वहाँ की। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। ज़्यादा इन लोगों को टाइम नहीं मिला बिकॉज ऑलरेडी लेट थे हम इस टाइम एयरपोर्ट पे। सो लेट्स बिगिन। तो दिस इज आवर ऑफिशियल फर्स्ट ट्रिप एंड जो हमारी फ्लाइट है दैट इज अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट। टाइम इज मतलब टाइम है फ्लाइट का 6:45। अभी बजे तकरीबन 5 बजे, हम यहाँ आ गए थे तकरीबन 4 बजे, राइट। और हम बहुत एक्साइटेड हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और हमारी ये जो फ्लाइट है डायरेक्ट नहीं है, सो पहले हमें चेन्नई जाना है। फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी, चेन्नई से चेन्नई, उसके बाद चेंज होगी। अभी बच चुके हैं सुबह के 5:05 एंड हाफ एन आवर, मतलब हम भाग रहे हैं अभी। सो राइट नाउ वी आर एट चेन्नई एयरपोर्ट। हमने सबसे पहले यहाँ आते ही पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करा क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था। और यहाँ का स्पेशल है साउथ इंडियन, तो हमने डोसा खाया। इन्होंने डोसा खाया, मैंने खाया पूरी भाजी, लेकिन जो भाजी थी अगेन वो डोसा का मतलब जो मसाला डोसा के अंदर का जो सामान होता है वही था उसमें। अभी हमने एक वेट कर रहे हैं, एक मोमोज वाला है, हमें कम से कम 20-25 मिनट हो गए वेट करते हुए। वाओ मोमोज अभी तक तो खुला नहीं है, तो उसी का वेट कर रहे हैं। सिस्टम खराब है। और अभी फिलहाल टाइम हुआ है 10, हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है 11:30। हम यहाँ के फूड की बात करें तो ज़्यादा ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। हाँ यहाँ है नहीं, मतलब हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ इतने ऑप्शन होंगे, वैरायटी होगी, लेकिन बहुत लिमिटेड है। साउथ इंडियन है इसमें, इतना साउथ इंडियन है। हाँ मतलब इफ यू लाइक साउथ इंडियन देन इट्स वेरी गुड, अदरवाइज आप मेरी तरह पछताओगे। कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद भी आपको साउथ इंडियन ही खाना पड़ेगा हर चीज़ में। बाकी ये ब्लॉग अपना पूरा अंडमान सीरीज जितना है मैं इसे कवर करूंगा बढ़िया से, और दिखाऊंगा कि इन केस यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप ओवर देयर विद योर पार्टनर और या फैमिली जो भी है, सो आप क्या क्या जगह विजिट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी तो हम जा ही रहे हैं एंड नेक्स्ट फ्लाइट हमारी 11:30 है, अभी हुए हैं 10:15 हुए हैं, सो 1 घंटा और है। वॉम मोमोज से खाएंगे कुछ एंड फिर निकलते हैं। टाइम फॉर नेक्स्ट फ्लाइट, ये शील्ड पहनना ज़रूरी है। एंड कैसा लग रहा है शील्ड? कोरोना सेफ्टी। एंड बस में हम अभी एंड जस्ट गोइंग फॉर इट, हार्डली 5 मिनट्स। और जी कैसा लग रहा है अंडमान में लैंड, पोर्ट ब्लेयर में लैंड होके? अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जैसे हम लोग आए तो उन्होंने हमारा बहुत ही अच्छा वेलकम किया और विद रोजेस, और अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर अपने होटल, और वहाँ पे कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं आज का क्या प्लान है इवनिंग का। जो हाँ, आपका कोरोना टेस्ट हुआ या एंटीजन टेस्ट हुआ? हाँ, मेन चीज़ ये है कि अभी हमारा एयरपोर्ट पर, हम यहाँ पे जैसे पहुंचे हमारा कोरोना टेस्ट हुआ। मैंने लाइफ में पहली बार कोरोना टेस्ट करवाया और थैंक गॉड की रिपोर्ट नेगेटिव आई, कुछ मुझे कोरोना नहीं है, तो ये चीज़ भी मुझे बड़ी खुशी लग रही है वैसे तो। और हमारे पति ने भी करवाई तो उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई, थैंक गॉड। We have entered Andaman Nicobar Port Blair. ये अपना रूम है, यहाँ एंटर करोगे एक सरप्राइज है आपके लिए, देखना है देखना है देखना है। हाँ, बहुत दिनों की तुमने मुझे
ओपन भी नहीं करने दिया। ओपन मैंने किया है पहले, मैंने खुद देखा, अब तुम्हें दिखाना है। जाओ अंदर आओ। थैंक यू, लव यू। और एक चीज देखो, सामने अपना व्यू देखो जो अपने रूम का है। How is it? Awesome. मजा आ गया। So finally, जैसे तैसे कैसे हम आ गए अपने रूम पे, द बे इन होटल ने पोर्ट ब्लेयर में। ज्यादा शूट नहीं कर पाए बिकॉज एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं था, एंड उसके बाद हमें भूख भी लगी थी। हमने एक आनंदा रेस्टोरेंट वहां लंच किया। और अगर आप वेजिटेरियन हो जैसे कि हम वेजिटेरियन है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत। नॉन वेज के लिए बहुत ऑप्शन है। अच्छा, आई थिंक स्टार्टिंग ही नॉन वेज से थी, फिश से स्टार्टिंग थी, फिश मटन सारा सी फूड, और बहुत ढूंढने के बाद हमें जाता वैसे ही प्योर वेजिटेरियन, मतलब क्या बताएं, चलो हो गया। अब आगे का प्रोग्राम क्या है फॉर द टाइमिंग, आज हमारी फ्लाइट ना 1 घंटे लेट होगी, जिस वजह से हमारा जो प्रोग्राम था एक सेलुलर जेल जाने का था, वो हमें कैंसिल करना पड़ा या पोस्टपोन करेंगे, बाद में करेंगे उसे। बट अभी हम निकल रहे हैं, हमें जल्दी तैयार होना, हमारे पास टाइम नहीं है पहली चीज, बिकॉज जो हमारा ड्राइवर भी है जिससे हमने पैकेज लिया जो भी है, उन्होंने हमें बोला कि विद इन 30-40 मिनट्स हमें रेडी होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ का टेम्परेचर, हम जब चले थे सुबह बहुत ठंड थी, और यहाँ पे इस टाइम है 28 डिग्री, कह रहा हूँ बाहर बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया है, ठंड नहीं है ज्यादा, गर्मी भी नहीं है, बढ़िया बढ़िया मौसम है, एकदम घूमने लायक। अभी हम बस रेडी होंगे, दोनों फ्रेश होंगे और नहा नू के निकलते हैं। सो फाइनली वी आर रेडी, एंड अभी हम जा रहे हैं एक लेजर शो है, साउंड एंड लेजर शो सेलुलर जेल के पास में, जिसकी लास्ट एंट्री 6 बजे तक होती है। हम थोड़ा लेट हो गए थे निकलते हुए, इसलिए सेलुलर जेल तो नहीं देख पाए, बट लेजर शो के लिए अभी हम जा रहे हैं। सी, अंडमान की कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी चाहिए, पहली चीज कि यहाँ पे आपको 9 से 9 मॉर्निंग 9 से शाम में 9 बजे तक रौनक मिलेगी, उसके बाद सुनसान है, हमें ऐसा पता लगा। दूसरी चीज़, जैसे आज वेदर क्लाउडी है, हवा चल रही है काफ़ी बढ़िया, सो इन केस अगर बारिश होती है तो वो शो भी कैंसिल है, यही बोला था। हाँ। और तीसरी चीज़, यहाँ बहुत लिमिटेड चीज़ें करने की, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, और मेन जो तरीके यहाँ आने के हैं वाया फेरी या वाया एयर, यही दो हैं। यहाँ पे रेलवे स्टेशन ही नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं है फिलहाल। हम दोनों जा रहे हैं लेजर शो के लिए, होपफुली अच्छा हो। I hope. फिनिश वॉचिंग द शो सेलुलर जेल के अंदर, साउंड एंड लाइट शो था जो 1 घंटा चला, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, जिसका फेयर है 150 पर पर्सन। आपको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, इफ यू आर कमिंग हेयर एज मतलब हनीमून या घूमने के सिवा आते हैं, बिल्कुल मत लेना, देन यू शुड अवॉइड इट। सच बता रहा हूँ मैं दिल से, मतलब ये है कि वो अगर आप अपने फैमिली के साथ आते हो, पेरेंट्स के साथ आते हो, तो इट्स गुड। अगर आपको हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो कि भाई पुराने जमाने में जेल में हुआ क्या था आखिर, बाकी इसका मतलब यार हनीमून पैकेज से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं सजेशन दूंगी कि या मनाना। मतलब अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या जानना है ये जेल कैसे बनी, क्या क्या हुआ एग्जैक्टली, और पूरा डिटेल में, तो सही है, 1 घंटे तक अच्छे से समझाया उन्होंने। बट इन केस आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी और सिलसिले में आ रहे हैं, देन डेफिनेटली डिप्रेसिंग हो जाएगा आपके लिए। फॉर मी बोरिंग, सो हमारे लिए तो बोरिंग था, बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन था ये। सो फाइनली आफ्टर द शो लेजर शो वी आर बैक टू आवर रूम, एक सरप्राइज अपनी वाइफ के लिए, हैप्पी हनीमून। कल मिलते हैं। अब तो ये भी हमारे साथ ब्लॉग्स में है, कल मिलते हैं, थोड़ा टाइम अब स्पेंड करते हैं। मीट यू सून टुमारो मॉर्निंग। Love to all Mode Life, keep supporting IKS Vlogs. Goodbye. Take care. Start. और क्या हो चुकी है? So guys, इधर देखने हैं ना बोलना।